हे एवरीवन, आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो है आइसोलेशन ऑफ लैक्टोज फ्रॉम मिल्क। इसके लिए हम 50 ml मिल्क को एक बीकर में पोर कर लेते हैं और उसके बाद उसे कुछ टाइम तक हीट करते हैं। हीट करने के बाद हम 1 normality ऑफ HCl इसमें ऐड करेंगे और उसे स्टेयर करेंगे ताकि जो केसिन है उसके प्रेसिपिटेट बन जाए। द प्रिंसिपल बिहाइंड द प्रेसिपिटेशन ऑफ केसिन इज केसिन बीइंग नेगेटिवली चार्ज प्रेजेंट एज अ कोलाइड इन द मिल्क, सो वी कांट सेपरेट इट। बट जब हम इसमें HCl डालते हैं तो वो pH को न्यूट्रलाइज कर देता है और जो केसिन है उसकी वाइट पीपीटी में मिल जाती है। नीचे का जो क्लियर सोल्यूशन है वो वे है। इसके बाद जो एक्सेस ऑफ एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम 1 to 2 स्कूप कैल्शियम कार्बोनेट इसमें डालते हैं और उसके बाद इसे स्टेयर करना है अच्छे से। अब इस सॉल्यूशन को बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद इसमें से फिल्टर कर देते हैं। अब जो क्लियर सॉल्यूशन मिला है ना उसको हम अगेन हीट करेंगे तब तक इसका वॉल्यूम 1/4 ना हो जाए। अब डिकलराइज करने के लिए 1 to 2 स्कूप इसमें चारकोल ऐड कर दो। अब आफ्टर 1.5 hours 100 ml ऑफ इथेनॉल और मेथेनॉल इसमें डाल दीजिए और इसे अच्छे से फिल्टर कर दीजिए। इवेपोरेट करने के बाद आपको वाइट क्रिस्टल मिल जाएंगे, यही लैक्टोज है।